दुर्गापुर से शुक्रवार की देर रात 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार को दोपहर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां ऑक्सीजन एक्सप्रेस का पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने स्वागत किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से शुक्रवार की देर रात चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस शनिवार को लगभग 11:30 बजे गोरखपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, जहां पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के कर्मचारियों ने ट्रेन के ड्राइवर को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 कंटेनर में 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर शनिवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन होते हुए लगभग दोपहर 12 बजे नकहा जंगल स्टेशन पहुंची। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के यहाँ पहुंचने से कोविड से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे लोगों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध करवा रहा है तथा उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के महामंत्री जेपी गुप्ता व पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह ने कहा, सुपर फास्ट स्पेशल भटनी सीवान के रास्ते 13 मेरा नाम जेपी गुप्ता है, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर पहुंची है, इसकी खुशी सब लोगों को है। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ को जब संज्ञान में आया है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर में पहुंचने वाली है, तो सर्वप्रथम उसका स्वागत करने के लिए जो उसमें फ्रंट लाइन के कर्मचारी हैं उनका, जो इस ऑक्सीजन के डिलीवरी में लगे हुए कर्मचारी हैं उनका, और पूरे इस मेडिकल महकमे को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो इतनी बड़ी भारी भरकम कमी को दूर करने के लिए इन लोगों ने अपनी दृष्टि वहाँ लगाई कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस यहाँ मंगा करके और इस ऑक्सीजन से मरने वालों की कमी को ख़त्म किया जाए और सब लोगों को कोरोना काल में या जिस भी कारण से ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनको प्राप्त हो। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ ने हमेशा चाहा है कि हमारे कर्मचारी, हमारे देश के नागरिक कोई भी दवा और ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, इसलिए इसका हम बहुत भरपूर हृदय से स्वागत करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए स्वागत करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ आया था और पुष्प गुच्छ दे करके हमने इनका स्वागत किया है। आज गोरखपुर में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर क्षेत्र के नकहा जंगल स्टेशन पर पहुंचाई गई। इस ट्रेन में कुल 2 कंटेनर हैं, जिसके माध्यम से 40 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लाया गया है। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल रात में दुर्गापुर से चली थी, जिसे सुरक्षित एवं संरक्षित तरीके से गोरखपुर के नकहा जंगल रेलवे स्टेशन पर लाया गया। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के यहां पहुंचने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इसके पूर्व यदि पूर्वोत्तर रेलवे सेवित क्षेत्रों की बात करें
तो वाराणसी डिवीजन के माधव सिंह रेलवे स्टेशन पर 3 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से कुल 120 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाया गया है, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को भी काफी सहूलियत हुई है। पूर्वोत्तर रेलवे निरंतर आम जन के लिए बेहतर कार्य कर रहा है तथा उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है। सभी से अपील है कि कृपया कोविड के सभी प्रोटोकॉल का पालन करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।